हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 18 में, अट्टा मार्केट है जो कि काफ़ी फेमस मार्केट है। और आज दिन है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में और भारत को और खास करके दिल्ली और दिल्ली एनसीआर को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रदूषण का खतरा है वो प्लास्टिक है। और इसी चीज़ की हम जाँच करने के लिए आज अट्टा में मौजूद हैं कि प्लास्टिक के बारे में लोगों को पता है, अवेयर है, लेकिन क्या वो उन चीज़ों को निभा रहे हैं जो उनको निभानी चाहिए, या फिर क्या वो काम कर रहे हैं, या प्लास्टिक को किस तरीके से अवॉइड कर रहे हैं। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ कीर्ति दीक्षित मौजूद हैं। कीर्ति दुकानदारों से और यहाँ के लोगों से बात करेंगी और बात करके बताएंगे कि क्या वो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। अट्टा मार्केट में मौजूद हूँ मैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक सेल्समैन। आइए जानते हैं इनसे कि इनको पर्यावरण को लेकर के कितनी जानकारी, और ये जानते हैं कि पॉलीथीन किस तरह से सरकार ने बैन करी है और फिर भी यहाँ पर किस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है। आपको क्या लगता है कि पर्यावरण में सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का पर्यावरण में? प्रदूषण सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो प्रदूषण, ये जो प्रदूषण हो रहा है ये किस चीज़ से फैल रहा है? प्लास्टिक से ज़्यादा फैल प्लास्टिक रहा है। तो आप, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप उसको प्लास्टिक बैग में सामान देते हैं या फिर ऐसे? हमारे पास तो नॉर्मल बैग है, कपड़े वाले बैग हैं। कपड़े वाले बैग वही देते हैं। आपको पता है कि जो प्लास्टिक बैग होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, 500 सालों तक ये ऐसे ही रहते हैं, ये नष्ट नहीं होते हैं, ऐसे ही पर्यावरण में फैले रहते हैं और इसके चक्कर में जानवरों को भी बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसे होता है नुकसान काफ़ी होता है, बट किसको रोकें किसको ना रोकें, अकेले मैं तो सब कुछ नहीं कर सकता, इसी को सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा तभी चीज़ का सोल्यूशन निकल सकता है। तो सरकार की तरफ से काफ़ी टीम्स भी आती थी चेक करने के लिए कि प्लास्टिक यूज़ हो रही है नहीं हो रही है, तो ऐसी कोई टीम अब आती है कि नहीं? एक दो बार ऐसी टीमें आई हैं बट उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं उनको आने के लिए, बट वो कभी आते नहीं। इसके अब नहीं आते यहाँ पे, कोई नहीं आता। उन्होंने एक बार आके चेक कराया, अपने फॉर्मेलिटी इन्होंने पूरी करी, उसके बाद नेक्स्ट वीर से कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई दिखता ही नहीं यहाँ पे। ये चीज़ तो आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, लोगों को प्लास्टिक यूज़ करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार ने रूल बनाया है प्लास्टिक को लेकर, उसको सब मिल के फॉलो करेंगे तो हमारे देश से जो है प्रदूषण तकरीबन हद तक खत्म हो जाएगा, मेरा यही कहना है। आपको जैसे पता है कि वातावरण को सबसे ज़्यादा दूषित अगर कोई चीज़ करती है तो वो है प्लास्टिक। हाँ। और प्लास्टिक यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं इतनी प्लास्टिक फैली हुई है, फिर भी लोगों को ये लगता है कि सरकार कुछ करेगी और प्लास्टिक बैन होगी, लेकिन आपको पता होगा कि सरकार ने प्लास्टिक बैन कर रखी है। तो आप क्या प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे जो ये प्लास्टिक पड़ी है, यहाँ पे लोग खुद बेचने आते हैं प्लास्टिक या फिर आप खरीदने जाते हैं? आप नहीं करते लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे होंगे, लोग लेने जाते हैं मार्केट से, कोई यहाँ बेचते हैं, साइकिल भी बेचते हैं, कोई रिक्शा बेचते हैं, पतियाँ बेचते हैं, बहुत से लोग अभी भी बेच रहे हैं। और जैसे प्लास्टिक्स होती हैं 500 साल तक प्लास्टिक ना नष्ट नहीं होती, कि वातावरण में ऐसे ही पड़ी रहती है, जानवर इनको अपने अंदर लेते हैं, गाय जो होती है उनका पेट खराब हो जाता है, वो बीमार पड़ जाती हैं, तो आपको क्या लगता है? तो सारी चीज़ें खराब ही कर रही हैं प्लास्टिक, पानी रोकती है, नाले रोकती हैं, गायें पशु पक्षी सारी चीज़ों में दिक्कत करती है, इसलिए पन्नी को हमेशा परमानेंट बैन होना चाहिए। बैन हो भी गई है फिर भी बिक रही हैं, तो सारी चीज़ें दिक्कत ही कर रही है इसीलिए। अच्छा, सरकार ने कुछ टीम्स बनाई थी, जब सरकार ने बैन लगाया था तो उन्होंने कुछ टीम्स बनाई थी जो बड़ी बड़ी मार्केट में जाते थे और चेक करते थे कि कौन प्लास्टिक यूज़ कर रहा है कौन नहीं यूज़ कर रहा है, तो अभी ऐसी कुछ टीम्स यहाँ पर आती हैं चेक करने के लिए या नहीं आती हैं? पीछे आई थी 2-3 महीने पहले, काफ़ी लोगों के चलान भी काटे दुकान पर भी, ठेली पर भी, सभी चीज़ों की, बट फिर 10-15 दिन बाद फिर वैसे ही हो गया। प्लास्टिक बैन है पूरे यूपी में लेकिन फिर भी प्लास्टिक धड़ल्ले से बिक रहा है। नोएडा के 18 मार्केट में हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, कस्टमर्स हैं जो प्लास्टिक ले गए। आपको प्लास्टिक कहाँ से मिला? ये अंदर से दुकानदार ने दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, मना नहीं किया उन्होंने? आपको प्लास्टिक कहाँ से मिला? ये शॉप पर दिया, शॉप ने दिया था, मना नहीं किया उन्होंने कि घर से थैला लाया? थैला नहीं लिया, शॉप से थैली मिली थी आपको? लगातार सबके हाथों में आप देख सकते हैं यहाँ पे थैली है, जितने भी कस्टमर आए हैं सबके हाथों में थैली है। हालांकि दुकानदार मना कर रहे हैं कि हम थैलियाँ नहीं देते हैं किसी को, लेकिन जितने भी कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं सबके हाथ में लगातार
थैलियाँ देखने को मिल रही है। हम अट्टा मार्केट में भी खड़े हैं और कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे और कस्टमर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में प्लास्टिक जो बैन हुई है वो बैन है या गवर्नमेंट की जो टीम थी वो आई थी, तो उसके बाद अब कोई टीम जो है आती है कि नहीं आती। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे साथ यहाँ पे एक दुकान है एक, और इस दुकान के बाहर ये सामान लगे हुए हैं, खिलौने हैं, बैट्स हैं, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं सारे प्लास्टिक रैप हुए पड़े हैं। और खुले आम अगर हम कहें कि नोएडा मार्केट में प्लास्टिक बिक रहा है, और अब तक का आज पर्यावरण दिवस है, सबसे ज़्यादा जो खतरा माना जाता है वो प्लास्टिक से माना जाता है। सीवर्स खराब होते हैं, सारी चीज़ें खराब होती हैं, लेकिन इस वक्त की बात करें तो खुले आम जो है प्लास्टिक बिक रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की ना टीम आ रही है ना एक्शन हो रहा है। कानून बन गया है लेकिन कोई भी एक्शन इस पर नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं सरकार ने पॉलीथिन पे बैन लगाई थी, फिर भी यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पॉलीथिन दिखाई दे रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बैन लगा था उसके बाद भी ये पॉलीथिन आप खुद खरीदने जाते हैं या पॉलीथिन आपके पास लेकर आते हैं जो होलसेल में बेचते हैं? वो तो लेके आनी पड़ती है क्योंकि दुकानदार को देनी, क्योंकि अभी जो पेपर बैग है वो इतनी मात्रा में आई नहीं है कि जो पेपर बैग आसानी से हमें मिल सके, इसीलिए मजबूरन पन्नी का यूज़ करना पड़ रहा है। अगर पन्नी प्रॉपर आने लगे, पेपर बैग आने लगे तो ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे पन्नियाँ, इसीलिए पन्नियाँ। अच्छा, सरकार ने जब ये बैन लगाया था तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मतलब कि कुछ टीम्स बनाई थी जो समय समय पर बड़ी मार्केट्स में जाते थे और वहाँ पे चेक करते थे कि कौन से दुकानदार पन्नी बेच रहे हैं, कौन से कस्टमर्स पन्नी खरीद रहे हैं, तो अभी वो टीम्स यहाँ पर आती हैं या नहीं आती हैं? हाँ आती हैं, कभी कभी विजिट होती है उनकी। हाँ कितनी दिनों में होती है, मतलब कि महीनों में होती है या 6 महीने में या 1 महीने में? बहुत बार महीने डेढ़ महीने में तो होती है, इतना लग जाता है टाइम, महीने दो महीने में विजिट होती है। तो आपको नहीं लगता कि आपको अपनी तरफ से पन्नी इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए? तो कर देना चाहिए, मगर पेपर बैग अभी अवेलेबल ना होने के कारण बहुत महंगे हैं वो पन्नी के, जो अभी पन्नी जितने रेट में आती है उससे वो डबल से दुगने रेट में, इसलिए पन्नी मजबूरन यूज़ करनी पड़ रही है। या तो उन्हें उनकी मात्रा बढ़ाई जाए जिससे उनके रेट कम हो तो वो पेपर बैग कंटिन्यू यूज़ में आए, इसीलिए मजबूरन पन्नी यूज़ करनी पड़ रही है। जैसा कि सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगाया है, फिर भी इस एरिया में अगर आप कहीं भी नज़र डालेंगे तो धड़ल्ले से प्लास्टिक बिक रही है, कहीं पड़ी हुई है, कहीं उस पर जानवर लेटे हुए हैं, तो कभी वही कोई जानवर उसे खा रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या मानना है प्लास्टिक के ऊपर। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी प्लास्टिक है यहाँ पे गंदगी में पड़ी हुई है, प्लास्टिक हो रही है। प्लास्टिक के जो फैक्ट्री चला रहे हैं उसको लाइसेंस सरकार दे रही है, उसको क्यों नहीं बंद कर रही है? हम जड़ के क्यों नहीं काटे, फोन की पर क्यों जाए? ये बताइए आप, आप कह रहे हैं कि सर शराब जैसे पीना जो है सर गलत है, शराब के लाइसेंस दे रहे हो, एक तरफ शराब मुक्ति केंद्र खोल रहे हो, तो ये दोहरी नीति है ना, सरकार की दोहरी नीति है। जो फैक्ट्री है उसी को बंद करवाओ आप, प्लास्टिक तैयार ही नहीं होगा ना मार्केट में आएगा। अच्छा, आप जानते हैं कि प्लास्टिक से कितना नुकसान होता है? नुकसान तो होता है, तो उससे सरकार ध्यान दे ना, जो लाइसेंस दे रहे उसे रद्द कर दीजिए, फैक्ट्री को बंद करवा। आप अपनी तरफ से क्यों नहीं ये इस पे रोक लगाते कि मैं प्लास्टिक नहीं? ठीक है, हम इसके लिए समर्थन में आए, लेकिन मेन जो जड़ है उसको तो खत्म कर दीजिए आप। ठीक है, मैं मानती हूँ कि सरकार को रोक लगानी चाहिए, लेकिन आप अपनी तरफ से ये क्यों नहीं करते कि मैं प्लास्टिक नहीं खरीदूंगा ताकि उनको नुकसान हो वो बंद करवा? वो बात ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर तो आइए, हम जड़ को क्यों नहीं खत्म कर दें? जड़ को खत्म कर दें हम, ना रहेगी बांस ना बजेगी बसुरी। सरकार ने प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स का उन्होंने बना के दिए कि आप उनका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि IIT कानपुर वाले ने कुछ बनाया है अच्छे, जो कि 180 डेज में वो पानी में घुल जाएगा, तब तक हम वेट तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन पेपर बैग्स का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? फिर क्यों नहीं कर रहे? शूज़ का सवाल है तो फिर तो करना ही पड़ेगा। तो शूज़ क्या पेपर बैग्स का इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना? शूज़ हो कि कुछ भी हो, खाने की चीज़ से लेकर के कोई भी चीज़ के लिए आप प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर बैग प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है ना, पेपर बैग प्रोवाइड नहीं कर जा रहे हैं, नहीं किया जा रहे हैं, दुकानदार नहीं कर रहे हैं। आप दुकानदार हैं यहाँ पे? हाँ जी। प्लास्टिक आप देते हो कस्टमर? हाँ जी देते हैं। हाँ देते हैं, पहले 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 फैक्ट्री बंद कराओ। आपको पता है कि प्लास्टिक बैन है? हाँ बैन है। आपको पता है इस पे कानून बना है, जुर्माना होता है? हाँ जुर्माना बना है। हाँ, तो फिर भी देते हो आप? हाँ फिर भी देते हैं। ये पन्नी आ रही थी ये भी दे रहे हैं? अच्छा, आप पन्नी आ रही इसलिए दे रहे हो, आपको पता है जब पन्नी नहीं आएगी तो हम खुद ही बंद कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है इस पन्नी से कितना पर्यावरण प्रदूषित होता है? पहले ये फैक्ट्री बंद कराओ ना, खुद ही बंद हो। हम आप अपना डिग्रा फैक्ट्री पे क्यों बोल रहे हो? आप बताओ कि आप माल तो फैक्ट्री से आ रहे हैं ना। अच्छा हमको ये बताओ, पहले जब ये कानून बना था तो एक टीम आती थी जो जुर्माना करती थी, वो टीम अभी आती है कि नहीं? आप नहीं, अब ना आ रही है? नहीं आती ना। आपने कभी जुर्माना दिया इस पे? जुर्माना हमने देना सोचा फिर दिया नहीं था। आप प्लास्टिक बैन करोगे कि नहीं करोगे? हम तो कह रहे कभी रोक हो जाए। नहीं नहीं, आप अपने यहाँ देना बंद करोगे कि नहीं करोगे? नहीं नहीं करोगे। ये जब वहाँ से ना तो हम कैसे देते?
अच्छा ये ऊपर से बंद हो जाएगा जब भी हम बंद करेंगे। कैसे आता है ये प्लास्टिक, आप जाते हो लेने के लिए कोई पहुंचा जाता है आपके पास? यहाँ पर देने आते हैं लोग, देने आते हैं यहाँ पे आके आपको पहुंचा के जाते हैं, उसके बाद आप प्लास्टिक सप्लाई करते हैं ना? सप्लाई करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दुकानदार से हमने बात की, इनका कहना है कि लोग सप्लाई करते हैं और प्लास्टिक बैन होने का नाम नहीं। इनका कहना सीधा सीधा बोलेंगे फैक्ट्री बंद कराओ, ऊपर से बंद करो, तब हम प्लास्टिक देना बंद कर देंगे। अभी भी चिल्ला रहे हैं कि फैक्ट्री बंद कराओ, और जो गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई हुई थी उस टीम का भी यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। शुरुआत में बहुत हल्ला हुआ था, बहुत सारी टीमें आई, जुर्माने भी हुए, लेकिन अभी कोई टीम नहीं आ रही है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ कमल सिंह, पंचायती टाइम्स न्यूज़, नोएडा।